तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है किस इंडिया की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरीश चंद्र इंडिया की फर्स्ट साइलेंट फिल्म थी, जो 1913 में रिलीज हुई। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने, और इस फिल्म में मेन लीड में थे दत्तात्रेय दामोदर दाबके, जिन्होंने हरीश चंद्र का रोल प्ले किया था। रानी तारामती का किरदार अन्ना सालुंके ने प्ले